प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजनरी कदम भारत में इंप्लीमेंट हुआ है, उसमें आज वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़ी पीएलआई की स्कीम को मंजूरी मिली। वस्त्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर रुपया जो हम निवेश करते हैं उसमें सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ वस्त्र हमारी देश की धरोहर भी है। टेक्सटाइल सेक्टर ने प्राचीन काल से भारत में बहुत लाभ दिया है, बहुत बढ़िया इसका योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। लेकिन परंपरागत तरीके से हमने जो फोकस किया है वो कॉटन टेक्सटाइल्स पे किया है, और कॉटन टेक्सटाइल्स में हमारी एक अच्छा वर्चस्व है विश्व में और अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। मैनमेड टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल होते हैं और जिसकी वृद्धि भी तेज गति से हो रही है। आज दो तिहाई जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो दो तिहाई मैनमेड टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का रहता है। ऐसे परिस्थिति में भारत भी उस पूरे इकोसिस्टम में मैनमेड फाइबर्स के फैब्रिक में, उसके गारमेंट्स में भी अपना योगदान दे पाए, उसके लिए विशेषकर ये पीएलआई स्कीम मंजूरी की गई है। जैसा माननीय अनुराग जी ने कहा, 10,683 करोड़ रुपए इसमें इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिए जाएंगे जो लोग, और इसको दो भाग में रखा है, जो लोग 100 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं और जो लोग 300 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं।